नमः शिवाय। आज मैं आपको दामोदर अष्टक मैं जब नल कुबेर और मणिग्रीव को वृक्ष योनि से भगवान श्री कृष्ण ने उद्धार किया, फिर उन्होंने कौन सी सत्ति की, ये श्रीमद् भागवत में वर्णित है, वो सत्ति मैं आपको सुनाता हूँ। ये बड़ी सुंदर सत्ति है और मुझे बड़ी प्रिय है। मैं ये आप तक पहुंचा रहा हूँ सनातन मिस्टिक मंत्रा के द्वारा। इसे आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जैसे आपकी मर्जी। ओम कृष्ण कृष्ण महायोगिम सत्व महाधिपुरुषा परा व्यक्ता व्यक्तमिदं विश्वम रूपम ते ब्राह्मणा विदो तमेक सर्वभूतानां देहासवात्मेन्द्रियेश्वर तमेव कालो भगवान विष्णोर्व्या ईश्वर तम महान प्रकृति साक्षाद्रजा सत्व तमो मयी तमेव पुरुषो अध्यक्षा सर्वक्षेत्र विकारवित गुहा माने सत्वं ग्राहो विकारे प्राकृतेर्गुणै कोन्यवाहारहति विज्ञातों प्राक सदिदम गुण संव्रता तस्मै तुभ्ये भगवते वसुदेवाय वेदसे आजात्मो गुणे शनमयमने ब्रह्मणे नमः यस्या अवतारा ज्ञायन्ते शरीरे शिवशीरीर्ना तस्तेर्तुल्याते शेर्वियेर्देहि हविष्य संगते स भवान सर्वा लोकस्य भवाय विभाय च अवतीर्णो अश भाग्येन सांप्रतं पतिराशिषां नमः परां कल्याण नमः परं मंगला वसुदेव शांताय यदूनां पतये नमः अनुजानी नो भूमं सत्वानुचर किंकरो दर्शनं नो भगवता ऋषिरासीद अनुग्रहात वाणी गुणान कथनो श्रवणो कथायां हस्तोच कर्मसो मनस्त्वा पाद्योर्न स्मृत्या शिरस्त्वा निवास जगत् प्रणामे दृष्ट्या सतां दर्शनो अस्तो भवतु नूनां। जय श्री कृष्ण। हे भूमन, हम आपके अनुचर नारद जी के दास हैं और हम आपका दर्शन नारद ऋषि के अनुग्रह से हुआ और हमें आज्ञा दीजिए, वहां जाकर हमारा पहले समान दुष्ट स्वभाव न हो। अतः कहते हैं हमारी वाणी तुम्हारे गुणगान करने से तत्पर में हो। इस कान हमारे कान जो है आपकी सत्ति आपकी कथाएं सुनते रहे, सिर्फ आपका निवास स्थान हमारे मन में रहे। और क्योंकि ये नारद जी ने इन दो नल कुबेर और मणिग्रीव को शाप दिया था, तुम वृक्ष योनि में चले जाओ। उस शाप का फल जो था
वो सबसे बहुत बढ़िया फल था। इनको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। ओम नमः शिवाय।